नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर के बारे में जिसपे आपको लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में निश्चित है ये वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा, काफी अच्छी कंपनी है। हम आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो अंतिम निर्णय लेना है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं वो आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होगा वो खुद आपका होगा। अगर इसमें कोई गिरावट होता है तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, तो हर चीज जो है वो आपको खुद से निर्णय होना है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना है। हम यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल रूप से एनालिसिस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स के मैंने रिव्यू कर रखा और किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है उसके मैजिक फार्मूला को आप जान पाएंगे। देखिए, इसमें जो हमारा पहला शेयर है वो है टाइटन। देखिए, टाइटन हमने एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताया था, सेफ पोर्टफोलियो था। सेफ पोर्टफोलियो में ये स्टॉक छूट गया था। ये दोनों स्टॉक जो आपको बता रहे हैं ये भी सेफ पोर्टफोलियो में से एक है, मतलब कोई भी गिरावट होती है तो आप इसमें एकदम सेफ रह सकते हैं, मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये स्टॉक कमबैक करेगा तो काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए कैसे ये स्टॉक कमबैक करता है, काफी स्ट्रॉन्ग करता है, तो यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, वन डे में तो ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है, वन वीक में देख लीजिए, वन वीक में इसका रिटर्न कितना है, वन वीक में 5.86% का रिटर्न, वन मंथ में देख लीजिए रिटर्न 16.88% का रिटर्न, वन ईयर में देख लीजिए 63% का रिटर्न, मतलब हर टाइम फ्रेम पे आपको ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फाइव ईयर्स में 375% रिटर्न और मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए मैक्सिमम में 22,000% का रिटर्न। तो देख लीजिए सारे रिटर्न जो है हर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, मतलब आप 20 साल कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए, 1 साल कर लीजिए, तो आप कभी गिरावट में अगर बाय किए रहते तो इसमें और ज़्यादा रिटर्न आपको प्राप्त होता। इसलिए जो गिरावट होती है ऐसी कंपनियों में उसमें स्टॉक को ऐड किया जाता है, वहाँ पर गिरावट होगा तो हम और ज़्यादा बाइंग करेंगे। और करेंट प्राइस अभी देख लीजिए 1680 रुपया है। इसमें ब्रेकआउट जब हुआ था मैंने वहां पर वीडियो भी बनाया था, ये 1713.80 रुपया देख सकते हैं अपना हाई बना चुका था। और वहां से देख सकते हैं हमने बोला था कि ये एक बार गिरावट होएगा और यहां रिटेस्ट भी कर सकता है, जो जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया वहां से ये रिटेस्ट भी कर सकता है। अगर रिटेस्ट करता है तो आप वहां पर फिर से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी का आपने देख लिया कि फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, मार्केट कैप देखिए 1,49,000 करोड़ का है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। देखिए 0.24% का है, प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 52.9% है, तो ये भी काफी अच्छा। डेट टू इक्विटी 0.75% है, तो डेट टू इक्विटी भी काफी बेहतरीन है, मतलब 1 से ज्यादा ना होना चाहिए डेट टू इक्विटी। और जो सारी पैरामीटर्स है वो भी काफी रिजर्व कंपनी के पास काफी अच्छा है, डेट कंपनी के ऊपर जो है रिजर्व से कम है और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का रखा है 2,800 करोड़ का। तो सारे पैरामीटर्स जो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1%। तो यहाँ रिटर्न इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम है, मतलब ये 20 के आसपास हो तो काफ़ी बेहतरीन होता है, उसके ऊपर हो तो और भी काफ़ी बेहतरीन होता है। लेकिन दोस्तों ये ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, जो आपको टेक्निकल चार्ट पे रिटर्न देखेगा वो इस रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा, मतलब शेयर प्राइस में जो ग्रोथ है इस ग्रोथ से भी ज़्यादा दिख रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होता है सेल्स से, वो देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ये 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 11,000, 11,000, 13,000, 16,000, 19,000, 21,000, 21,000 देख सकते हैं लगातार जो सेल्स से रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ देख लीजिए प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है, कभी कभी थोड़ा सा बीच में यहाँ गिरावट हुआ था 2016 में, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो परफॉर्मेंस होगा उसमें भी गिरावट देखने मिलेगा। मतलब जब जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहां देखने मिलेगा आपको चार्ट पे भी वो कंपनी सेम शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहां फाइनेंशियल ग्रोथ देखने मिला वहां चार्ट पे शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। और यहाँ पर पैंडमिक के कारण थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हुआ था, लेकिन क्वार्टर में रिजल्ट में जाएंगे तो अब क्वार्टर रिजल्ट में भी सुधार हुआ है। यहाँ पर देखते हैं क्वार्टर बेसिस पे ये कंपनी यहाँ पर जून 2020 में लॉस दिखाया था, क्योंकि उस समय पूरी तरह से पैंडमिक था और कंपनी को कोई भी वहाँ सेल्स और प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब फाइनेंशियल जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी काफ़ी सुधरा है और कंपनी का जो कैश फ्लो है देखिए वो भी पॉजिटिव हो चुका है, मतलब हर पैरामीटर, मतलब ये कंपनी अब बिल्कुल कैश रिच कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा डेट भी है कंपनी के पास, लेकिन ओवरऑल डेट से ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देख लीजिए 52% का स्टेक है और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसमें देखिए टाटा और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये कंपनी, मतलब दोनों का इसमें स्टेक है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ देखिए इसमें राकेश झुंझुनवाजी का
अभी स्टेक है लगभग 4% और उनके वाइफ के नाम पर 1% लगभग 5% का स्टेक। ये कंपनियां काफी बेहतरीन रिटर्न उनको क्रिएट करके दिया है। अब देखिए टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे भी ये स्टॉक काफी सॉलिड रिटर्न आपको दे रहा है। देखिए अगर हम पिछले 10 साल का चार्ट देखें तो ये देखिए यह कंपनी यहाँ पर अपना हाई बनाई, यहाँ पर आया लो बनाया, फिर से देखिए ये हाई बनाया और यहाँ फिर से लो बनाता है। कभी भी ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से ये हाई बनाता है, फिर से यहाँ पर लो बनाता है, ये लो बना, क्योंकि ये हाई तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम उसको हाई नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक नया हाई बनाया, यहाँ जो देख सकते हैं 2017 से लेकर के 2018 तक एक ज़बरदस्त रैली देखने मिला, फिर यहाँ पर गिरावट होती है, फिर ये एक नया हाई बनाता है। और इस पैंडेमिक में जो गिरावट आया, यह पैंडेमिक का गिरावट भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब सेम लो बनाया, देखते हैं सेम लो। तो ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कितना सॉलिड है, जबकि फाइनेंशियल रिजल्ट इसका नेगेटिव आया था, कंपनी अपना लॉस दिखाई थी, उसके बाद जो है ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। पैंडेमिक में भी जो लो था वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से स्टॉक देखते हैं एक नया हाई बना रहा है, अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका टेक्निकल चार्ट काफी सॉलिड है, मतलब हमेशा गिरावट में ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है, जब भी गिरावट में मिले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बैठा हुआ, यहाँ पर 1580 रुपये का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक गिरावट देखने इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कहाँ पर करें। देखिए 20 मूविंग एवरेज के पास जब भी आ जाए तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, SIP स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी आया तो काफ़ी तेज़ी से ये बाउंस बैक किया है, इसके नीचे थोड़ा सा जस्ट जाता है फिर काफ़ी बाउंस बैक करता है। तो ये देखिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये चार्ट जो है ये देखिए मंथली चार्ट है, आप यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को कब फॉलो करेंगे, जब आप वीकली चार्ट या डेली चार्ट लगाते हैं। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में ये स्टॉक जो है 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है और बाउंस बैक कर जाता है, तो आप बस 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी आए मंथली चार्ट पे आप इसमें इन्वेस्ट करते जाइए। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है अब हम उसके बात करते हैं, इन्फो एज जिसको हम नौकरी.com से भी जानते हैं। तो इन्फो एज काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है और इसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्फो एज जिसको हम नौकरी.com के नाम से भी जानते हैं लेकिन वास्तविक नाम है इन्फो एज। आप यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक एक दिन में तो कुछ खास रिटर्न है नहीं, 1 वीक में देखते हैं तो अभी 1 वीक में ये 2% मतलब 2.4% अप है, 1 मंथ में देख लीजिए 5% डाउन है, लेकिन 1 ईयर में चलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का हम बात तो 1 ईयर से स्टार्ट ही करेंगे, 71% का रिटर्न। देखिए 5 ईयर्स में देख लीजिए 484% का रिटर्न, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैक्सिमम में बात करते हैं तो देख लीजिए 2900% का रिटर्न, तो काफ़ी सॉलिड है। तो ये कंपनियां भी काफ़ी सॉलिड रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो ये स्टॉक भी आप हमेशा बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स है, जब भी गिरावट मिले आप इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी सॉलिड, जो भी स्टॉक हम यहाँ पर आपको बताते हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए प्राइस पे मत जाइए, अब देखिए इसके बदले अगर आप कोई 50 रुपये का शेयर बाय करते हैं, अगर वो शेयर 10 रुपया भी नीचे चला गया तो आप तो 5000 में उसके कुल 100 शेयर बाय करेंगे और 10 रुपये नीचे गया आपका 1000 लॉस। लेकिन ये शेयर यहाँ से 1000 नीचे बहुत ही कम संभावना है कि जाएगा, बहुत ही कम संभावना है कि ये 1000 रुपीज़ नीचे जाएगा। अभी इसका करेंट प्राइस देखिए 4571 रुपया है, आपको यहाँ पर हम सपोर्ट भी दिखाएंगे क्योंकि टेक्निकल चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए अंतिम में जीतेगा टेक्निकल चार्ट, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो हम टेक्निकल चार्ट पर जो सपोर्ट निकालेंगे उस सपोर्ट से नीचे जल्दी प्राइस नहीं जाएगा, आपको प्राइस जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे टेक्निकल चार्ट पर। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी का, ये तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसमें सबसे पहले मार्केट कैप 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ से आगे जाने का। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.31% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है, लेकिन ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, जो फाइनेंशियल ईयर इसमें है इसमें कंपनी देख लीजिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर इसमें लॉस दिखाया कंपनी।
लेकिन और सारे फाइनेंशियल ईयर देखिएगा तो कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, देख सकते हैं लगातार कंपनी प्रॉफिट अर्न की है और प्रॉफिट जो है लगातार ग्रो हुआ है। बीच बीच में 2017 में भी गिरावट आया था, तो जो आपको शेयर प्राइस में भी दिखेगा वहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आपको देखने मिलेगा। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी प्रॉफिट बनाने वाली है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं, वो तो ईयरली रिजल्ट था, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट पे काफ़ी ज़बरदस्त जंप, 342 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 697 करोड़ का प्रॉफिट, अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो काफी जबरदस्त कमबैक किया है इस स्टॉक ने। और कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, देखिए डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 डेट कंपनी के ऊपर मात्र 68 करोड़ का, ये निग्लिजिबल डेट है, कुछ कंपनी के ऊपर डेट ही नहीं, क्योंकि रिजर्व देखिए 4000 करोड़ का है और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1242 करोड़ का। कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे पॉजिटिव है, तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है और कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। तो निश्चित है कि ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग में बात करें तो देख लीजिए ये सारे प्रमोटर्स ग्रुप हैं कंपनी के, और इसमें 38% प्रमोटर्स का स्टेक है और FIs का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है, उसका भी देखिए FII का स्टेक जो है प्रमोटर्स से ज़्यादा है, DI का स्टेक 11% है, पब्लिक का स्टेक मात्र 10% है। देखिए ऐसे अच्छे स्टॉक में पब्लिक स्टेक आपको काफ़ी कम देखने मिलेंगे, लेकिन जो स्टॉक कचरा होगा जिसका प्राइस जो होगा 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है देखने मिलेंगे स्टेक किसका, पब्लिक का मतलब रिटेल इन्वेस्टर का। तो कंपनी का जो आपने देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कंपनी का रिजल्ट जो है काफ़ी बार मतलब गिरावट देखने मिलता है और फिर कंपनी जबरदस्त कमबैक करती है। और कंपनी के बिजनेस में देखेंगे तो कई सारे इसके बिजनेस वर्टिकल हैं, देखिए यहाँ पर naukri.com, 99acres.com, jeevansathi.com, शिक्षा.com, साथ ही साथ ये जोमेटो के भी पेरेंट कंपनी है। याद रखें इतने सारे अच्छी अच्छी मतलब सब्सिडी कंपनियाँ इस कंपनी की और सबकी ये पेरेंट कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। टेक्निकल चार्ट पे हम देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट पे भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। जितना आपने फाइनेंशियल रिजल्ट में देखा गिरावट देखने मिलता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2012 से, देख लीजिए यहाँ कंपनी जो शेयर प्राइस है हाई बनाया यहाँ पर काफ़ी लंबे समय 2015 से लेकर के 16-17 तक कंसोलिडेट करता रहा। देख सकते हैं यहाँ से कंसोलिडेंस चालू हुआ जिसमें लो बनाया 2016 में और उस समय काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में भी गिरावट आया था, फिर यहाँ से मूव किया 2018 में हाई बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा गिरावट, फिर देखिए यहाँ से लगातार कंपनी चलते रहा यहाँ पर फिर हाई, और पेंडेमिक में भी इसमें कुछ खास गिरावट नहीं आया और फिर वहाँ से जो हाई बनाया है तो यहाँ पर हाई बनाने के बाद फिर से यहाँ पर देख सकते हैं 5800 का हाई बनाने के बाद अभी मात्र आपको 4500 रुपीज पे ये कंपनी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है, आप चाहें तो इसको इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट लेवल है 4200 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 4200 को ये ब्रेक करता है, जो कब ब्रेक करेगा जब फाइनेंशियल रिजल्ट जो इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए, जिस तरह से 2017 में हुआ काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम में आ जाए कंपनी, तभी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। कमबैक तो ये कंपनी करेगा ही अगर टेम्प्रोरी रूप से, क्योंकि लॉकडाउन है तो हो सकता है कंपनी बिजनेस थोड़ा सा प्रभावित हुआ हो, तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक आ सकता है अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तब। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार ये 4200 पे आता है और कंपनी बाउंस बैक करके 5000 तक चली जाती है। अगर ये 5000 के ऊपर सस्टेन कर गया, जो कि इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है देख सकते हैं, और ये मंथली चार्ट पे रेसिस्टेंस है, ये मंथली चार्ट पे रेसिस्टेंस है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन के खड़ा है 5000। अगर ये 5000 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने कर जाता है कंपनी, 5000 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो फिर वहाँ से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा। तो ये अभी बेस्ट समय है जब इसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। जैसे ये 4200 के आसपास आता है तो अपना SIP बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपनी बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। अगर 20 मूविंग एवरेज के पास मिलता है तो जितना चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी जो है बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है, तो कुछ खास प्रॉब्लम इसमें जल्दी होने वाला नहीं है। और कंपनी थोड़ी सी एक टेक कंपनी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसके स्टॉक में कभी भी आपको गिरावट खास ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, कैश रिच कंपनियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।